दोस्तों इस वक्त हम उस जगह पे हैं जो राजा अकबर के नग्न माने जाते थे, जो नौ रत्नों में से एक रत्न माने जाते थे राजा अकबर के, बीरबल जी के यहाँ पर, बीरबल जी के घर पर, जो बीरबल जी का घर था, जो राजा ने अपने घर में अपने ही महल में उनको अपने निकट ही एक महल बना के दिया था बीरबल के लिए, जिनके बिना वो कोई अपना फैसला नहीं लेते थे। आज हम आप उन्हीं बीरबल का आपको घर दिखाने जा रहे हैं, या महल कह लें जो अकबर के महल के अंदर है वो आपको दिखाना जा रहे हैं। आप देखिए आज के समय में वो महल कैसा दिखता है। इस वक्त हम महल में जाने के लिए गेट पे खड़े हैं, आइए अंदर महल देखते हैं क्या क्या इस महल में है, जो राजा अकबर ने बीरबल के लिए ऐसा महल क्यों तैयार कराया था। आइए देखते हैं इस महल की खूबियाँ। इस महल की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे सारा हिंदू धर्म के हिसाब से इस महल को बनाया गया है, क्योंकि बीरबल आप सब जानते ही हैं हिंदू थे। आप देख सकते हैं मंदिर के लिए, मंदिर के आकार की ये कटिंग चौकड़े बनाए, मंदिर देखते हैं, मंदिर बनाए गए इस महल के अंदर। और इसके देखिए आप बहुत से द्वार हैं आने जाने के लिए, हवादार महल ये बनाया गया है। और ये इसलिए भी इसमें एक खासियत है, गर्मियों में ऊपर जाके रहा जा सकता था, जिससे कि यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। और अभी भी हमें इतनी गर्मी में ठंडक महसूस हो रही है, पत्थरों का, इन पत्थरों के अंदर ठंडक इतनी है, बाहर की जो हवा आ रही है वो अभी भी ठंडक हमें दे रही है। आप देख सकते हैं ये बीरबल जी का महल था, जो राजा अकबर ने उनको अपने पास में ही दिया था। अकबर जी कभी बीरबल के जी के अलावा कभी कोई फैसला नहीं लेते थे बीरबल के अलावा, क्योंकि बीरबल उनके नौ रत्नों में से एक रत्न थे। हिंदू शैली के हिसाब से पूरा महल बनाया गया था। ये इस महल का ऊपर जाने का गेट है जो इस वक्त बंद है, मैं आपको बाहर से इस पूरा ये दिखाता हूँ। अब ये देख सकते हैं इसके बाहर का एरिया। एक ये बालकनी भी बाहर बनाई गई है, हवादार, जहाँ कोई बैठ भी सकता है।